ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी के घरों में हमेशा निवास करें और कभी भी माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में ना हो। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि जिनके घर में पैसों की बहुत कमी रहती है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत परेशान है ना। तो आपके लिए वीडियो है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। अपनी अलमारी में एक दुर्वा और एक नारियल रखना है, जो कुछ भी मांग लोगे सब कुछ मिल जाएगा, धन संपदा सब कुछ, ठीक है। लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। समझते हैं, स्क्रीन पर आपको दुर्वा दिख रही है, दिख रही ना दुर्वा। तो आपको भी कितनी दुर्वा लेनी है, पांच दुर्वा, गिन करके पांच दुर्वा लेना। और ये दुर्वा हरी वाली होनी चाहिए, कई तरीके की आती है, सफ़ेद भी आती है, सफ़ेद नहीं, हरी दुर्वा लेना। अब जो मेन चीज़ लेना है वो आपको इस तरीके से नारियल लेना होगा, ठीक है। नारियल कौन सा लोगे, पानी वाला, जूट वाला नारियल, है ना, जूट जिसके अंदर पानी नहीं होता है वही वाला नारियल लेना। इस नारियल को और इस पांच दुर्वा को लेके कहाँ पे जाओगे, गणेश भगवान के मंदिर में, है ना। चतुर्थी तिथि आ गई है नवरात्रि की, तो गणेश भगवान के मंदिर में जाना, घर पे नहीं करना, मंदिर में पहुंचना। और मंदिर में पहुंच के जिस तरफ इनका टूटा हुआ दांत होता है, जो पांच दुर्वा है, पहले तो वो समर्पित करोगे और जो एक नारियल है ना उसको रिद्धि सिद्धि के नाम से चढ़ाएंगे। किसके नाम से चढ़ाएंगे, रिद्धि सिद्धि के नाम से चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद वहां पर दीपक वगैरह प्रज्वलित करना, जो भी पूजन पाठ करनी होगी पूजा पाठ करना, और उसके बाद वहां से पांच दुर्वा को उठाना और एक नारियल को उठाना, है ना। उठा करके क्या करोगे, आप अपने घर पे आना। घर पे आओगे तो तुरंत आपको उसको अपने अलमारी में, तिजोरी में नहीं रखना है, जो आपके घर का एक मेन गेट होता है लोहे वाला, नहीं, लोहे वाले से जब अंदर एंट्री लेंगे तो एक आपको मिलेगा दरवाजा लकड़ी का, उस लकड़ी वाले दरवाजे के जो चौखट होगी उस पर आपको उस पांच दुर्वा को और एक नारियल को वहां पर रखना है, मतलब हल्का सा टच कराना वहां पर चौखट पर, और फिर वहां से लेकर के जाओगे कहां पर, जहां पर भी आप अपने घर में रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हैं वहां पर पे, और पांच दुर्वा और एक नारियल को रिद्धि सिद्धि के नाम से, किसके नाम से, रिद्धि सिद्धि के नाम से अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, या फिर आपकी कोई शॉप है वहां पे रख देंगे। पूरी नवरात्रि में 9 दिनों तक, जितने भी दिन आपने इस वीडियो को आप देख रहे हो, चतुर्थी को करोगे तो जितने दिन बचेंगे 4-5 दिन रखे रहेंगे। जिस दिन नौवीं या फिर दसवीं तिथि होगी, दुर्वा को अपनी अलमारी में वहीं पर छोड़ देंगे और उस एक नारियल को उठाएंगे और जिस मंदिर में आपने पूजा किया था भगवान गणेश के, उसी मंदिर में उस नारियल को ले जाकर के रख देंगे, या फिर किसी ब्राह्मण देवता को उस नारियल को आपको दे देना होगा, है ना। जो भी व्यक्ति कर लेता है रिद्धि सिद्धि के नाम से इस उपाय को, उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, माता लक्ष्मी का वास उनके घर में हमेशा बना रहता है ना। समझ में आई बात मेरी, तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपको हमसे फोन पर बातें करनी है, मैसेज पर बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।